हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। परम श्रद्धेय ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। फाउंडेशन में सभी ट्रस्टी एवं सदस्यगण आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब एवं आत्म ध्यान के प्रति समर्पित हैं। ये फाउंडेशन संपूर्ण विश्व में आत्म ध्यान साधना के प्रसार के लिए कटिबद्ध है। शिवाचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले हर आयोजन में ध्यान की चिंतन धारा लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही है। ऐसे में शिवाचार्य श्री द्वारा प्रदत्त आत्म ध्यान साधना से संबंधित ऑडियो एवं वीडियो पुस्तकों आदि का संचय करना, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से उनका संरक्षण, संवर्धन, सृजन एवं संचयन करना भी ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा, आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सुदर्शना जैन, राजेश एंड पम्मी जैन, खार वेस्ट, मुंबई, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, सिर से पांव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। मैं जीव आत्मा हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ, जड़ में जीव, जीव अकेला, पूरे ब्रह्मांड में मैं जीव अकेला हूँ। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। अनादिकाल से ये जीव यात्रा कर रहा है। मैं एक यात्री हूँ, बस यही मेरा परिचय है। लक्ष्य मेरा सिद्धालय है। पंचम गति सिद्धालय को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। ये देह एक निवास स्थान है। निवासी और निवास स्थान में भेद कर लीजिए। निवास स्थान तपेगा, जीव अपने स्वभाव में रहकर विश्राम करेगा। निवास स्थान पर कर्म निकल करके आएंगे। आप जीव अपने स्वभाव में रहकर कर्म क्षय करते जाएंगे। जो कुछ आपके साथ घटित हो रहा है उसका मूल कारण है आपके ही कर्म।
कर्म सिद्धांत को स्वीकार कीजिए और जड़ और चेतन का भेद कीजिए, ये धर्म का आधार है, ये धर्म का स्वरूप है। जड़ अजीव है और जीव अपने धर्म में यानी ज्ञाता दुष्टा भाव में, दोनों का भेद ही भेद विज्ञान है। मुक्त होने का गुप्त रहस्य है कि जीव एकत्व का अनुभव करे। जीव का किसी एक पुद्गल से भी संबंध नहीं, किसी एक व्यक्ति से भी संबंध नहीं। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कब हुई या जीव को साथ ही सगो न कोई। जीव माँ के गर्भ में अकेला आया, जब यहाँ से आयुष कर्म पूर्ण होगा तो देह और देह से जुड़े सारे संसार को यहीं छोड़कर कारमन शरीर को साथ लेकर विहार कर जाएगा। इस जीव का कोई साथी नहीं है, सगा नहीं है, साथी सगे सब इस जड़ शरीर से जुड़े हुए हैं, जीव से कोई नहीं, और यात्रा जीव की है। आज तक जितना भी आर्त और रौद्र ध्यान किया वो इस जड़ के लिए किया, जड़ से जुड़े संसार के लिए किया, और कर्म जीव पर लगते गए क्योंकि भेद नहीं था। ज्ञानी होने का लक्षण यही है कि जड़ और जीव का भेद करें और जीव का ध्यान करें, जीव अपने स्वभाव में रहे। इस भेद विज्ञान की गहराई में जाते जाते अपने जीव पर श्रद्धा करने से सम्यक तो परिपक्व होगी, क्षायिक होगी, और जीव का जीव में स्थित होने से, प्रत्येक उदय कर्म को स्वीकार करने से, मोह कर्म को क्षय करने से ये जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। केवल ज्ञान जीव में है, जड़ में नहीं। और वो जीव का ध्यान करके जीव में स्थित रहने से ही प्रकटेगा। यही शुद्ध सामायिक है, वितराग सामायिक है। जीव का जीव में स्थित हो जाना, यही ध्यान है, यही शुक्ल ध्यान है। यही कायसर्ग है कि जीव और जड़ का भेद करके जीव जीव में रहे और जड़ का मोह तोड़ दे, उत्सर्ग कर दे।
मन बुद्धि इंद्रियों को गौण करके स्वस्थिति में बने रहें कुछ देर के लिए। आप शुद्ध आत्मा है, अपने अस्तित्व में बने रहिए। अस्तित्व पर जिसकी श्रद्धा होगी उसकी साधना परिपक्व हो जाएगी। आज तक हमने पुद्गल पर श्रद्धा की, अब जीव पर श्रद्धा कीजिए। पुद्गल कर बदल रहा है, परिवर्तनशील है, उसका सहयोग ले सकते हैं, परंतु मैं जीव हूँ इस पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपने लक्ष्य सिद्धालय में जाके अटल अवगाहना होना है, इस ओर ध्यान दीजिए। अनादिकाल से ये जीव यात्रा कर रहा, पर इसे अपना लक्ष्य मालूम नहीं था, अपने घर का पता नहीं था। सद्गुरु की कृपा से, अरिहंत प्रभु की कृपा से मैं जीव हूँ ये बोध हुआ और अपना लक्ष्य सिद्धालय तय हुआ। अब प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण पूर्व संचित कर्मों को क्षय करते जाना है, नवीन बंधन को रोकना है और स्वभाव की साधना में स्थित होकर उन अनंत कर्मों को क्षय कर जाना है जो हमने अनंत की यात्रा में बांधे हैं। प्रतिशल प्रतिपल प्रतिक्षण परम आनंद शांति सुख का अनुभव कीजिए। आप संपन्न हैं, परिपूर्ण हैं, अष्ट गुणों की संपदा आप में है। जो शक्ति अरिहंतों में है, सिद्धों में है, वही आप में है और प्रत्येक जीव में वही है। अभेद दृष्टि से सब में जीव के दर्शन कीजिए और अपना पिंड पराया है, ऐसे सबका पिंड पराया है। किसी पिंड से मोह नहीं, न अपने से न किसी और से। सबको यात्री रूप में देखिए, सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। सबको आत्मबोध प्राप्त हो, प्रत्येक संसारी जीव के लिए मंगल की कामना कि आप सबके भीतर में जो शुद्धात्मा भगवान है उसका बोध आपको प्राप्त हो और मेरी अभेद दृष्टि विकसित होती जाए। मेरा ये पिंड पराया है, ऐसे आप सबका पिंड भी पराया है, छूटने वाला है, सड़न गलन स्वभावी है। उससे मेरा किसी से मोह नहीं, अपने पिंड से भी मोह नहीं। मिथ्यात्व और मोह का त्याग करते हुए
वैराग्य भाव में स्थित होकर प्रति पल प्रति क्षण ज्ञाता दृष्टा भाव में, वितराग भाव में आगे बढ़ते चले जाए। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। सबसे क्षमा याचना कर लीजिए। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझको। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी नदी से को। सबसे क्षमा याचना, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हुए एक लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए और एक लंबा गहरा सांस लीजिए। परम आनंद और शांति का अनुभव करते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले आए, कोमलता से स्पर्श करें। जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंता। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावितंग, नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत और शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सुदर्शना जैन, राजेश एंड पम्मी जैन, खार वेस्ट, मुंबई, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।